दोस्तों, साउथ इंडस्ट्री में यूं तो आपको कई बेहतरीन कलाकार देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने न सिर्फ सीरियस कॉमेडी रोल निभाए हैं बल्कि अपने विलेन के किरदार से कभी हर किसी को डराया तो वहीं कभी हंसाया भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ के दमदार एक्टर जयप्रकाश रेड्डी की, जिनका आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से 73 साल की उम्र में निधन हो गया। इस खबर के बाद से ही उनके फैंस और इंडस्ट्री सेलेब्स शोक व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको इस दमदार अभिनेता के बारे में नहीं बल्कि इनकी पत्नी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी पत्नी के बारे में, वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं। अगर आप भी इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही शानदार दमदार अभिनेता के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूले। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दमदार अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी, जिन्हें इंडस्ट्री में लोग जेपी के नाम से जानते थे, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को आंध्र प्रदेश में हुआ और यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई आंध्र क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की है। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले जयप्रकाश रेड्डी शिक्षक के रूप में स्कूल के हेडमास्टर रहे, जहां इनके पिता भी एक पुलिस अधिकारी थे, लेकिन उन्हें बचपन से ही फिल्मों का कीड़ा काट चुका था, जिसके लिए इन्होंने अपने काम के साथ साथ फिल्मों के लिए कई ऑडिशंस भी दिए, जहाँ इनकी कदकाठी को देखते हुए साल 1988 की फिल्म ब्रह्मपुत्रोडु में काम करने का मौका मिला और इसी फिल्म से इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जहाँ इनके अभिनय को फिल्म निर्माता और निर्देशक काफी पसंद किया गया। लेकिन इन्हें असल पहचान मिली फिल्म समर सिंह रेड्डी से, जिसमें उन्होंने वीरा राघव रेड्डी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म से इन्होंने काफी प्रसिद्धि हासिल की। इसके बाद इन्हें फिल्मों से कई कॉमेडी रोल और विलेन के किरदारों में भी देखा गया, जिनमें से इन्होंने जयम मानाडे रा और चन्ना कवा रेड्डी जैसी फिल्मों में विलेन के किरदार को बखूबी निभाया, दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जहां कई फिल्मों में इन्हें बतौर सपोर्टिंग एक्टर काम करते हुए देखा गया। इनके दमदार अभिनय के लिए इन्हें नंदी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें, इन्होंने साउथ इंडस्ट्री में कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें लॉरी ड्राइवर, आनंदनम, छत्रपति, शिवशंकर, थिरुरंगा और सीमा सिंघम जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उनके सीरियस कॉमेडी और विलेन के किरदारों ने उनके फैंस के दिलों में एक अलग जगह, एक अलग पहचान बनाई है। आज जहां भले इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन हमेशा ही उनके फैंस उनकी फिल्मों को याद करते रहेंगे। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी के बारे में तो आपको बता दें, इनकी पत्नी का नाम भाग्य लक्ष्मी है, जिनसे इन्होंने काफी वक्त पहले शादी की थी और इनकी शादी एक अरेंज मैरिज थी। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हैं, जहां इनकी पत्नी एक हाउसवाइफ हैं जो घर पर रहकर अपनी फैमिली का ख्याल रखती हैं और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। जयप्रकाश रेड्डी को उनकी पत्नी के साथ बहुत कम देखा जाता था और इसी वजह से आपको इनकी पत्नी की तस्वीरें भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, आपको इस दिवंगत अभिनेता की पत्नी के बारे में जानकर कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।